डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। इस क्वेश्चन में हमें जो सम गिवन है वो फाइंड करना है, तो हमें गिवन है 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 6 अप टू प्लस 1 अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। तो अगर हम देखें हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 6 अप टू प्लस ऑफ एन प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस 1। तो अगर हम टर्म सेपरेट करते हैं तो ये होगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 अप टू प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो अगर हम देखें ये जो ऑल्टन ये जो टर्म्स है सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी अप टू 1 बाई एन तक, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1। एलसीएम लेने पे एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ऑप्शन अगर हम देखें तो सी इज द करेक्ट आंसर। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।